सागर की एक्सीलेंस स्कूल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना वर्ष 2023 के तहत दो दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ विधायक शैलेंद्र जैन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी में संभाग के विभिन्न स्कूलों से अपने टैलेंट के बल पर तैयार किए गए बच्चों द्वारा मॉडल का अवलोकन भी किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक मॉडल बच्चों ने प्रस्तुत किए। समिति के सदस्यों ने बच्चों से प्रस्तुतीकरण लिया और उनमें से बेस्ट मॉडल को चयन किया, जिसके बाद उन बच्चों के जिनके मॉडल का चयन होगा उन्हें आगे आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसमें एक पावर बैंक लगाई गई है, जिसके जरिए है ना ये मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल चार्ज कर सकती है? हाँ। ये मोबाइल चार्ज के लिए बनाई आप तो बोले कि ये बैक सपोर्ट नहीं है, ये है ना ये आप वो समझाओ ना पहले है? जो कि अपन कहीं अंधेरे में जाते हैं तो उसके लिए उजेला ये लाइट करती है, लाइट जला के वो कहीं भी जा सकते हैं। और ये वॉच है, इसमें अलार्म सेट कर सकते हैं कि अपन कहीं सोते हैं तो उसके लिए अपन को सुबह उठना पड़ता है, अपन भूल जाते हैं कि हमें इतने बजे उठना है, तो इसमें अलार्म सेट कर सकते हैं पीछे से, तो अलार्म सेट करने के बाद वो बजेगा तो अपन उठ जाएंगे। और इसमें एक सायरन भी लगाया गया है, जिसकी सहायता से अपन जिस कहीं कोई लड़की जाती है अकेली उसके लिए, जिसकी लड़की कहीं अकेली जाती है तो वो उसको कोई लड़का परेशान करता है उसकी वजह उसके लिए ये सायरन लगाया है, जिससे ये मोबाइल कनेक्ट रहेगा, इसको ब्लूटूथ कनेक्ट रहेगी तो ये इसमें सायरन बजाएगी, तो वो जो उसको परेशान करने आएगा उसमें ये वाला सायरन बजेगा, ये सायरन बजेगा, ये सायरन बजेगा तो वो जो उसको परेशान करने आएगा तो वो भाग जाएगा उसको सुन के, जिससे वो लड़की की हेल्प हो जाएगी और लड़की आगे भी जा सकती है और इससे मोबाइल चार्ज हो सकता है। जी बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप और ये जो बनाया है किस संबंध में बनाया है? मेरा नाम श्रद्धा चौधरी है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी आगरा सिटी स्कूल की छात्रा हूँ। ये मैंने स्मार्ट डोर लॉक बनाया है, इसे आप दरवाजे को बिना ताला लगाए अंदर से बंद कर सकते हैं और मोबाइल की सहायता से इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। कैसे बनाया आपने और इसका कैसे आपको? मैंने इसमें आर्डिनो यूनो लगाया है, जिससे ये मोबाइल से वर्क करेगा और ब्लूटूथ इसको मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए लगाया है। इसमें एक गियर मोटर लगाई है जो इसको मूव करने में सहायता करेगी। जी बताया क्या नाम है आपने, ये जो प्रोजेक्ट बनाया है क्या बनाया है और किस संबंध में बनाया है? सर ये मैंने फार्मर शूज बनाए हैं, जिसमें जो लोग सिंचाई करने जाते हैं किसान लोग, उनको खेत में सिंचाई करने में दिक्कत रहती है, हाथ में टॉर्च पकड़नी पड़ती है तो उस साइड से वो शिफ्ट बदलते हैं, जब उनकी हाथ में पाइप पकड़नी पड़ती है उसमें बहुत दिक्कत होती है, तो जो एक हाथ से टॉर्च पकड़ने उसको मैंने इसमें फिट कर दिया ताकि इसमें लगी रहे, तो इससे उनको 40 मीटर तक दिखाई देता है इससे, और उसमें वाइब्रेशन मोटर लगाई जिससे उनके पास जो सांप बिलों में रहते हैं खेत में उसमें पानी चला जाता है, सांप बिच्छू वगैरह निकलते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए इस किसान पर हमला करते हैं, उसके लिए वाइब्रेशन मोटर लगाई जिससे वो दूर दूर तक तरंगे फैलेंगी और उससे तरंगों से वो सांप दूर जाएगा। और इसमें एक सर वो अलार्म भी लगाना था, लेकिन सर उसकी डिलीवरी बहुत लेट थी, उस अलार्म से सर बहुत फ़ायदा देता कि जब किसी का जंगल में खेत है तो उनके लिए कोई जंगली जानवर हमला करता है तो वो अलार्म बजाकर अपने जो बाजू वाले खेत हैं उनसे वो अपनी मदद कर सकें। सर ये विकलांग लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं क्योंकि उनके दोनों हाथ नहीं होते तो उनको टॉर्च नहीं पकड़ सकते वो, तो ये सर इसमें पैर से वो ऑन कर लेंगे। सर इसमें चार्जिंग पॉट भी लगाया है, सबसे डीसी का सामान है। कहाँ से आए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राजपूत है, मैं बड़ा परिया से आया हूँ, विकासखंड देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश।